हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यू रेडी फॉर गेमिंग। तो मैं कैसा लगा मेरा मजाक? आज आपको ये सीरीज में ये सिखाऊंगा कि माइनक्राफ्ट कैसा खेला जाता है। अच्छा, हमको सिखा रही है? जो न्यू है माइनक्राफ्ट में उनके लिए, और जो ओल्ड है वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। और ये मेरा सर्वाइवल फर्स्ट डे है। अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए सेकंड डे भी समझ रहे हो ना सेकंड एपिसोड भी लेकर आ जाऊंगा। एक नया वर्ल्ड क्रिएट करूंगा मैं। जनरली आपको मालूम ही होगा, जब अपन माइनक्राफ्ट को लगाते हैं तो हमें न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना ही पड़ता है सर्वाइवल। और इसका नाम न्यू रखते थे, और यहाँ पे सब नॉर्मल। अगर आप न्यू है तो आप इजी भी कर सकते हैं यहाँ से, मगर हम नॉर्मल ही रखेंगे। और चंक्स को आप बराबर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये न्यू अपडेट है, ये इसे बनी रह दीजिए। और एक्टिवेट सीट आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। और रिसोर्सेस पैक का ज़्यादा कुछ काम है नहीं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और मैंने जावा एडिशन इसलिए भी लगाया क्योंकि जावा एडिशन में बहुत ही हार्ड हो जाता है खेलना, इसलिए पहले बेडरॉक से स्टार्ट करेंगे फिर जावा भी खेलेंगे। तो लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम स्पॉन हो चुके हैं। और आज का हमारा ये चैलेंज है कि हमें एक टर्नल वाला हाउस बनाना है, मतलब अंडरग्राउंड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी ये स्पॉन है। और सबसे पहले तो जनरली हमें नेचुरली सबसे पहले वुड कलेक्ट करना होता है, तो हम सबसे पहले वुड कलेक्ट करने चले जाते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत ही खुली और साफ सुथरी जगह मिल चुकी है, और हमें सबसे पहले वुड ही यहाँ पे कलेक्ट करने। घूम के ऑलमोस्ट मैंने 4 स्टैक कंप्लीट कर ही लिए होते, लेकिन जान दो हमें इतने काफ़ी है। और यहाँ पर सामने ये जो शिव ग्रेस हमें मारना होगा। ओके, तो मर गए। और हम शायद हमारा स्पॉन पॉइंट शायद यही था। हम सबसे पहले नीचे तो डिक करते हुए जाते, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें मेरा पहला चैलेंज है कि मुझे एक टनल हाउस बनाना है। सॉरी, मैं यहाँ से पिकैक्स वगैरह बनाना तो भूल गया। पिकैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल ही बनाना होगा, और क्राफ्टिंग टेबल की रेसिपी शायद ये नहीं थी। सबसे पहले हमें वुड प्लैंक कलेक्ट करने होंगे थोड़े बहुत, और वुड, और यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अब क्राफ्टिंग टेबल से मैं कितनी चीज़ें बना सकता हूँ। मुझे सबसे पहले तो बनाना है पिकैक्स। पिकैक्स की रेसिपी कुछ ऐसी है, तो पिकैक्स की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें वुड को इस तरीके से रखना होगा, इससे स्टिक्स बन जाएंगी। और फिर वुड को यहाँ पर रख के और स्टिक्स को ऐसे रख के यहाँ से पिकैक्स बना लेंगे। अभी तो काम सिर्फ पिकैक्स का ही है। तो सबसे पहले हम क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते हैं, और थोड़ा सा डिक करके हमें नीचे जाना है। क्राफ्टिंग टेबल टूट क्यों नहीं रहा है वैसे, फिर टूट गया। तो डिक करते जाते हैं थोड़ा बहुत, बस ऑलमोस्ट हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा बनाना। हमारा हाउस यहाँ से शायद 2x3 का होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट मेरा 3 लेयर वाला हाउस बन चुका है। और यहाँ पर रात हो गई तो थोड़ी सी लाइटिंग की कमी पड़ी है, लाइट्स लगा लेता हूँ तो ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो गए। बाकी ये नेचुरली ये भी एक ट्रेनिंग वाला ही काम है। लाइटिंग पूरी तरीके से लगा लेता हूँ, और बेड लगा लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लगा लेता हूँ। ओके, तो मेरा हाउस कंप्लीट है। बाकी आपको फर्स्ट जब आप खेल रहे हैं तो आपको कोई अच्छा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसा भी और किधर भी घर बना सकते हैं, बस आपको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत। बाद में आप स्कूल सीख गए तो आप फिर अच्छा घर बना सकते हैं। तो स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा स्कूल स्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट हो गया। अगर मैं बाय द वे अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं यहाँ पे ही स्पॉन होगा। तो आज का हमारा काम तो इतना कम्प्लीट हो चुका है, बाकी का काम हम अगले एपिसोड में करेंगे।
तो तब तक के लिए गुड बाय, और मेरा अगला एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना। अगर मेरे कमेंट्स ज़्यादा आए और ये वीडियो पे कम से कम 1000 के ऊपर लाइक आए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड बना दूंगा।